अब गणित पढ़ेंगे। अंकगणितीय प्रगति संख्याओं और क्रम का एक क्रम है जिसमें किन्हीं दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक स्थिरांक होता है। इसे अंकगणित अनुक्रम भी कहा जाता है। हमने सीखा है कि स्वचलित अनुक्रम संख्याओं की श्रृंखला है जहां प्रत्येक संख्या पिछली संख्या और एक स्थिरांक होता है। सामान्य अंतर संख्याओं के बीच का अंतर है। यदि हम अपने अनुक्रम में कुछ या सभी संख्याओं को जोड़ दे तो हमें अंकगणित श्रृंखला मिलती है। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 10 आदि दो सामान्य अंतर है और ये दो स्थिर है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं जो निश्चित पैटर्न या अनुक्रम का पालन करती है। एक पेड़ के तने पर पत्तियों की व्यवस्था या मक्के के भुट्टे पर दानों की व्यवस्था और छत्ते पर व्यक्तिगत स्व का पैटर्न से भी प्रकृति में पैटर्न के कुछ उदाहरण है। अंकगणितीय प्रगति ऐसा ही एक पैटर्न है। अंकगणितीय प्रगति संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद को पहले पद को छोड़कर प्रमुख पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। हालांकि हमें इसका एहसास कभी नहीं हुआ, अंकगणित अनुक्रम के कई उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अब इसका भावनात्मक बुद्धिमत्ता से क्या संबंध है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक आत्म अनुशासन है। ये किसी भी कार्य के पीछे गणनात्मक सोच के साथ व्यवहार का एक तरीका है और ये भावनात्मक परिपक्वता प्रदर्शित करता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, अंकगणितीय प्रगति प्रगति से संबंधित है। हर बार जब हम पिछले पद से एक स्थिर संख्या जोड़ते हैं तो अगले पद का मूल्य बढ़ जाता है। इस पाठ के माध्यम से व्यक्ति सीखता है महत्व सकारात्मकता का, आशावाद का, दृढ़ता का और अनुशासन का। अपने आप में लगातार सुधार करने और समय के साथ किए गए कार्य में प्राप्त कड़ी मेहनत के साथ सुधार करने से व्यक्ति को सफलता और परिणाम के रूप में कई गुना परिणाम का अनुभव होता है। आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ संकल्पित होना सिखाती है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।